2000-2500 अरे ताज, मैंने 2000 का इस वीक देखा है बिकते हुए। इसकी बीमारी फॉर एग्जांपल आ जाती है बर्ड के अंदर, सबसे पहले वो करे क्या, कांटेक्ट करने से पहले वो करे क्या? लेकिन अगर धुओं आई है, धुओं की वजह से आंखों में पानी करने से दाना आ रहा है। पॉक्स की है 3 किस्म। सही हो गया। एक दाने के अंदर छोटे छोटे दाने, मोटे मोटे दाने होते हैं, पॉक्स इसको कहते हैं। आंखों के अंदर वो होती है, आप लोग निकालते नहीं, छोड़ देते हैं, इसकी वजह से आंखें चिपक जाती हैं। जो रेट नीचे आया है वो ब्रीड बढ़ने की वजह से आया है या ये पॉक्स वगैरह हो रहे हैं इस वजह से? पंजाब के अंदर पैसा बहुत है, बिल्कुल, और जमीन भी उनका अपना चार है, अपनी कमी है। ये बच्चे भी निकालते हैं, 6-7 बच्चे निकालते हैं। अच्छा, अरे भाई ये तो रेनबो कलर में हो सर, सारे खूबसूरत ये देखें, मतलब मोर की रेड में देखी थी आपने, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है। इसके अंदर पॉक्स वगैरह नहीं आती, ये दाने सही रहते हैं, इससे ब्रीडिंग भी ज्यादा आती है, 6-7 बच्चे निकलते हैं। अच्छा, ये दाना टोटल 3000 रुपए का। इस वीडियो के अंदर वो तो 3 लाख रुपए बोल लेते हैं, बिल्कुल वो ऐसे 3 लाख रुपए के बनाने झूठ का खेल है। जबरदस्त किस्म का साइज, ये तो जितना भी तो आगे उधर जाएंगे तो और साइज बढ़ेगा इसका। हाई फ्लाइंग है जी, हाई फ्लाई, ये अपनी छत के ऊपर आसमान पर रहते हैं, छोटी सितारा बन। इसके अंडे रोजाना 7-8 अंडे रोजाना मिल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, आपका अपना निशा एक बार फिर हाजिर है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की बेहद फरमाइश पर आज मैं आ गया हूँ फहीम उस्ताद के सेटअप के ऊपर, और खास तौर पर हमारे मिस्टर एंड मिसेस नोमान की काफी फरमाइश थी कि फहीम भाई के सेटअप पर जाए, तो इत्तेफाक से कुछ टाइम नहीं निकल पा रहा था, उस्ताद भी मसरूफ थे, आज भी मसरूफ थे। पॉक्स के आपको पता है कि मामला बहुत चल रहे हैं, तो 2 विजिट आज करने गए हुए थे, तो आज तकरीबन 4 बज गए हम लोगों को, वरना हम लोगों का सुबह 10-11 बजे का जो था सिस्टम था, तो खैर आज भी हम लोग लेट हो गए। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि अभी उस्ताद से हम लोग बहुत सारी बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, इसके अलावा जो रेट वगैरह नीचे आ गए, उतार चढ़ाव जो चल रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। और आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुर्गी और क्या कहते हैं ये बर्ड्स वगैरह जो है ये साथ में नहीं रखने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो भाई मुर्गी भी है, कबूतर भी है, यहाँ पे तोते भी लगे हैं, हर चीज़ लगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह में कुछ भी यहाँ पे मसला नहीं है। और कोई मसला आता भी है तो उस्ताद माशाल्लाह से हमारे हाजिर हैं, हैंडल कर लेते हैं वो। तो चलते हैं और उस्ताद से ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि कौन कौन से सेल के आइटम यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलते हैं और उस्ताद से मालूम करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों इस टाइम मौजूद है मेरे साथ फहीम उस्ताद, तो अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे उस्ताद, कैसी तबीयत? अल्लाह का एहसान। उस्ताद, काफ़ी अर्से से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई उस्ताद के सेटअप पर जाएं, ज़रा उस्ताद से मुलाकात करें, क्योंकि उस्ताद बीमारी वगैरह का इतना सीन बढ़ गया है ये पॉक्स वाला, कि लोग जो है वो बर्ड अपने बेच रहे हैं, मतलब बेचने पे अब आ गए हैं लोग के, मतलब करें क्या। तो अब ये बताएं कि करना क्या चाहिए अगर पॉक्स वगैरह आ जाए सबसे पहले। सबसे पहले पॉक्स आ जाए, ये हमने फार्मेसी से बड़ी सोर्सेस से पिछले साल भी बनवाया था। अच्छा, और लोगों को दिया भी, और इस साल भी हमने ये बनाया है। सही है। इसकी लागत ही आई है 495 रुपये बोतल के साथ। सही है। इसी कीमत पे आपको दे रहे हैं, ब्रांड मेहरबानी, एक बोतल से ज़्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, क्योंकि ये मखसूस बोतलें बनाई जाती हैं, बहुत मुश्किल से बनाई जाती हैं। सही है। और हमने एक बंदे को 10 बोतलें दी थी, और उसने क्या करा, एक बोतल की 8 बोतलें बनाई, ड्रॉप वाली, आइस ड्रॉप के अंदर, बोतलों के अंदर। अच्छा अच्छा, हो गया। उसने वो बना के वो कर करके डाली। अच्छा, अभी मेरे पास 2 बर्ड्स आए हुए थे किसी ये पॉक्स के। हाँ। मैंने उनके ऊपर ये आजमाया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसे शुरू से कर रहा हूँ, कोई दवा की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, 1-2 दफ़ा स्प्रे करें, इंशाल्लाह ताला आंखों का पॉक्स सही हो जाए। हाँ, यानी कि बस लेकर आइस के ऊपर एक स्प्रे मार रहा हूँ। अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे मारना है। हाँ, पकड़े और मार दें, मार आंखें, आपकी पॉक्स खत्म हो जाएगा। अच्छा उस्ताद, एक और चीज़ हमें ये पूछनी थी, भाई लवबर्ड बढ़ गया है, लवबर्ड बढ़ गया है, हर बंदा यही कहने पे लगा हुआ है कि भाई लवबर्ड गया, खत्म करो अब, तो क्या करना चाहिए? ये मतलब रेट नीचे आया तो क्या करें आप? देखें, इसके अंदर कारोबार में नुकसान नहीं है। सही है। सबसे पहली बात तो इंसान ये सोच रहे हैं कि जिन्हें न्यू फैंसर होते हैं वो चाहते हैं कि हम एकदम ही 10-10 लाख 15-15 लाख लगा दें और पैसा कमा लें। सही। अब जैसे कि एल्बिनो का मार्केट का रेट आपको पता है कि 3000-3500 रुपये एल्बिनो का रेट चल रहा है पक्षों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग 6000-7000 में जोड़ा छोड़ने को तैयार हैं। ब्लैक आई 10000 का बेचते थे, आज ब्लैक आई 2000-2500। अरे उस्ताद, मैंने 2000 का इस वीक देखा है बिकते हुए। बिल्कुल सही है, 1000 रुपये दाने के। और मैं तो वो हैरान था कि लोग ब्लू के, ब्लू पसनाटा वगैरह जो सादे दाने हैं, वो 500-500 रुपये के बेच रहे थे, जाल वाले ले रहे थे उसको। जाल वाले 800 रुपये रेट है फिशर का। फिशर का तो जोड़ा ले रहे हैं ना 400 रुपये पर पीस, 500 रुपये ब्लू पसनाटा का 500 रुपये पर पीस ले रहे हैं। तो उस्ताद अब ये बताएं ना, ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से अगर 2000 रुपये का भी अल्बाइनो हमारा बिक रहा है तो नुकसान तो नहीं है इसमें? नुकसान की बात करो तो आपके घर की ब्रीडिंग है। हाँ,
अभी मेरे दोस्त ने 1800 रुपए पर पीस के हिसाब से तकरीबन 75 दाने बेचे हैं, क्योंकि उसके पास सॉफ्ट आई भी थी, उसने उसका फिर मैंने इलाज करा, इलाज करके उसके पट्टे सही हुए, अगर सही बिल्कुल नॉर्मल हो गए। उसने बोला फंडे मैं क्या करूँ भाई, मैंने बोला जो तुम्हारी मर्जी है वो कर लो, तो उसने 1800 रुपए पर पीस से सब निकाल दी, सब निकाल दी। अच्छा उस्ताद एक और चीज़ मुझे ये बता दीजिए, अगर पॉक्स की बीमारी फॉर एग्जाम्पल आ जाती है बर्ड के अंदर, तो हम तो कॉन्टेक्ट करें सबसे पहले, वो करे क्या कॉन्टेक्ट करने से पहले वो करे क्या, नमक का पानी लगाए, नमक का पानी लगाए, बर्ड को अलग कर दे, सबसे पहले उस परिंदे को पकड़ के अलग करें, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लाजमी इसको दें गर्मी के अंदर, सही है। और जैसे पॉक्स आती है तो सबसे पहले नमक के पानी की कुल्ली कर लें। अच्छा मतलब वो जो अगर पॉक्स आई है वो तो नमक के पानी से सही हो जाएगी, लेकिन अगर धुओं आई है, धुओं की वजह से आंखों में पानी करने से दाना आ रहा है, पॉक्स हो रही है, तो वो पहले आप धुओं का इलाज करें, उसके पॉक्स को परों को खोलें। अच्छा उसका एक और चीज़ यहीं पे ऐड भी कर लें कि अगर धुएँ हो जाए तो कैसे पता चलेगा, धुएँ हो जाए तो उससे ये होता है कि आंखों के पास वो बार बार जाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो बारीक बारीक कीड़े धुएँ होती हैं तो आंखों के पास पानी पीने आती है और उसको काटती हैं, सही है, उससे पानी हर वक्त उसकी निशानी है कि आंख से पानी गिरना शुरू हो जाए, गिरना शुरू हो जाएगा, और जब पानी गिरना शुरू हो जाए तो आप समझेंगे इनके परों में धुएँ, यानी मेरे पास फोन आया था तो उसने यही बताया मेरे को, यार मेरे परिंदों के अंदर से आंखों में पानी आ रहा है, तो मैंने उसको बताया कि भाई आप ऐसा करो कि उसको सबसे पहले कोपेक्स पाउडर ले आओ और वो लाके उनके परों में डालो, धुओं में डालो, और आंखों पे जैतून का तेल लगा दो, उससे जुएं मर जाती हैं, जो जैतून का तेल जो होगा आंखों पे लगाएंगे तो जैसे ही वो आंखों पे पानी पीने आएगा, जैतून का तेल कड़वा होता है तो वो आंखें नहीं पहुंच पाएगा, जुएं मर जाएंगे फौरन, सही हो गया। तो जैतून का तेल आंखों पे लाजमी लगाएं और परों में धुओं में कोपेक्स लगाएं, थोड़ी देर हाथ में पकड़ें और उसको छोड़ दें, सबको कर दें तो इंशाल्लाह ताला ये पॉक्स भी खत्म हो जाता है। जैसे एक देखिए पॉक्स की है तीन किस्में, सही हो गया, एक दाने के अंदर छोटे छोटे दाने, एक पॉक्स ये है, एक पॉक्स उसको कहते हैं ये लोग के जो दाने हो जाते हैं मोटे 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 दाने होते हैं, एक पॉक्स उसको कहते हैं, और एक आंखों का चिपकना ये एक अलग चीज़ है। अच्छा भी पॉक्स कह रहे हैं, यानी अगर आंख बंद हो जाती है तो लोग उसको भी पॉक्स ही समझ रहे होते हैं, पॉक्स होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे मैं अगर मैं किसी के जाऊँ सेटअप पे, वहाँ पे कल मेरे सेटअप पे एक के जाना है पॉक्स के वाले से, तो आज ये पॉक्स के वाले से तो आंखों की चिपक जाती है, फिर नमक के पानी से पहले हल्का नरम करें, फिर आंखों को हल्के हल्के खोलें, खोल के अंदर एक होती है चर्बी टाइप की, उसको आराम आराम से करके आप निकाल लें, वो निकल जाती है, वो निकली भी होती है आँख के अंदर फंसी भी होती है, झिल्ली यानी कि जिसको कीचड़ होती है वो अच्छा पक जाती है, जैसे वो पॉक्स में दाना आ जाता है ना, दाने को हल्के से दबाते हैं तो वो उसमें से निकलती है। अच्छा अच्छा समझ गया मैं, समझ गया, इंसानों में भी होता है ऐसा, तो वो जैसे हमारे कील आती है, कील को निकालते हैं तो निकल जाती है, इसी तरह आँखों के अंदर वो होती है, आप लोग निकालते नहीं छोड़ देते, इसकी वजह से आँखें चिपक जाती हैं, अगर आप उसको सही तरह से उसको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो वापस सेट हो जाएगी आप बिल्कुल। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी आया हूँ, सही है, मुझे आज काफ़ी लेट हो गई, तकरीबन 4 बज रहा है, सही है, आना मुझे सुबह 12 बजे था, तो अभी भी फ़हीम भाई हमारे 2 विज़िट के ऊपर ही गए हुए थे, फ़हीम भाई ने बोला अली भाई मैं ऐसा करता हूँ रिटर्न में आपके पास आता हूँ, आप रिटर्न में मेरे पास आ जाएं, फिर ये कि हम लोग वीडियो वगैरह बना लेंगे, तो सर आज का विज़िट कैसा रहा और क्या मसला था उनका? ये पॉक्स के हवाले से था और अच्छा टुकड़े के हवाले से था। अच्छा और कुछ उनके नर मादा से पड़े हुए तो उनको टेयरिंग बना दी थी, टेयरिंग बना दी थी। अच्छा उस्ताद एक और चीज़ ये बताइएगा कि जो फॉर एग्जांपल हमारा रेड आई अल्बाइनो है, इसके रेट अब जो है नीचे आ गए, पहली बात के एल्बिनो रेड आई हो या क्रिमिनो डाइकिनो, इस पर लाजमी पॉक्स तो आने आनी है। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था उस्ताद कि मतलब इनका जो रेट नीचे आया है वो ब्रीड बढ़ने की वजह से आया है या ये पॉक्स वगैरह हो रहे हैं इस वजह से? दोनों वजूहत हैं इसके। अच्छा देखिए पंजाब के अंदर पैसा बहुत है बिल्कुल, और ज़मीन भी उनका अपना चारा है, अपनी कमी है, ज़मीन सस्ती है वहाँ, वहाँ अपनी कमी है, उनका अपना दाना है और उनके पास माशाल्लाह पैसा है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, इतनी ब्रीडिंग कराई पंजाब में, ज़्यादा हुई फिर कराची में भी हुई, अब ये लाहौर से माल कराची आ रहा है, एल्बिनो एकदम मार्केट के अंदर जो 17,000 का बड़ा एक चीज़ बेच रहे थे आज वो 7,000 का भी लेने को तैयार तैयार नहीं है। सही है, बहुत मुश्किल से 7,000-6,000 का बड़ा दाना जा रहा है 12 महीने 13 महीने, वो भी बहुत अच्छा हो, क्वालिटी बहुत क्वालिटी वाइज अच्छा हो, वरना तो आम दाना भी आप ले लो तो लोग देने को तैयार है 3,000-4,000 में रेडाइस करते, सही बोल रहे हैं पट्टों में, वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको पता है कि एल्बिनो है या क्रिमिनो डाइकिनो ये एक ही ब्लड लाइन है रेडाइस की, सही तो लाजमी इसके अंदर पॉक्स आ जाएगा, आप नया फ्रेंचाइज के पास गया उसने तो आपको सही चीज़ दे दी, बाद में क्या कहते हैं उसमें पॉक्स आ जाता तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती बिल्कुल। अब मेरे पास जैसे एक बंदे का फोन आया मुझे क्रिमिनो के 5 पेयर चाहिए, मैंने बोला यार मैं क्रिमिनो के मेरे पास दाने हैं 6-7 महीने के, मैं आपको दूंगा 6,000 रुपये पर पीस के हिसाब से, सही है 12,000 रुपये का जोड़ा पड़ेगा आप, सही है क्रिमिनो का, उसने बोला ठीक, मैंने बोला इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा, ये आपके पास जाके पॉक्स आएगी इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है,
सही है, चलने लिया सही है। मैंने बोला देख लो यार, मैं इसलिए मैं देख नहीं रहा इसको, मुझे पता है पत्थर पट्टों में लागी शौक आनी आनी है। जैसे इंसान के अंदर भी एक दफा चेचक की बीमारी जरूर आती है, तो चेचक के दाने यानी पॉक्स के नुमा दाने चेहरे पे जिसमें एक दफा जरूर निकलते हैं, इनके पट्टों में भी लाजमी आते हैं, रेड आई के अंदर, ब्लैक आई में नहीं आते, ब्लैक आई में नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि उस्ताद मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेट नीचे आ भी गया तो कोई मसला नहीं है, रेट ऊपर चला जाएगा कुछ। जैसे बजरी है, बजरी 200 में भी आता है, तो हमारे पास देखें आज से पुरानी चली आ रही है, जो पट्टे पड़े हैं तो चल ही रहे हैं, बजरी ये बजरी नजर आ रहे होंगे बिल्कुल, तो बजरी भी हमारे पास खत्म नहीं हो चल रहे हैं, फायदा है इस बजरी खा जा रहा है, इनका बच्चा वो कचरा खा रहा है, उसमें बाजरा मिला के। अच्छा उस्ताद मैंने तो ये देखा है आप जो है आप तो बाजरा खिलाते भी नहीं है, आप तो कंगनी खिला रहे होते हैं, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं कि नुकसान नहीं है। बाजरी मार्केट में जो बंदा मिलता है वो यही कहता है यार नुकसान हो रहा है, रेट नीचे आ गए, रेट नीचे, मतलब ये वो उन लोग के पास होते हैं 10-10 पेयर 20-20 पेयर या 300-400 पेयर लगे हैं। अच्छा तो हमें नुकसान क्यों होगा, नुकसान क्या भाई, जब फायदा हो रहा होता है जब भी हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, जब कारोबार नहीं अच्छा अल्लाह का शुक्र करना लाजमी होता है, लाजमी शुक्र अदा करना होता है। सही है। अच्छा उस्ताद ये बताएं अभी फॉर एग्जांपल लव बर्ड की तरफ अगर कोई बंदा जा रहा है, सही है, वैसे तो अभी लोग रुक गए थोड़े से ना, अगर कोई जाना चाहता है तो क्या पेयर डाले अभी भाई, वो सादे हमसे स्पीड लेना, स्पीड में आप महंगी वरायटी जैसे आपको पायर ब्लू की मिलेगी अभी 6,000-7,000 रुपये, आपको 3,000 रुपये की आपको स्पीड मिलना है, 3,000 के स्पीड ले वो डाल दें, उसमें से पायर ब्लू भी आएंगे वो लोकल भी आएंगे, आप वाइट ऑफलाइन में चाहते हैं तो वाइट ऑफलाइन की स्पीड ले लें, वो आपको 5,000 रुपये जोड़ी पड़ेगा। अच्छा। वो डाल दें। अच्छा आप पायर ब्लू ऑफलाइन लेना चाहते हैं, अगर आप वो नहीं खरीद तो उसका स्प्रिट डाल दें, स्प्रिट डाल दें। इसी तरह दूसरे वैरायटी आ रहे हैं उनके स्प्रिट लेना, जरूरी थोड़ी कि आप 20,000 वाला पेयर लें। हाँ तो भाई सस्ते पेयर लगा लें आप लोग उससे जो है वो आप रोजी गोली पे काम कर लें, जरूरी नहीं है कि आप एल्बिनो पे देंगे, रोजी गोली में पॉक्स नहीं आती, अभी ऑरेंज फूड बहुत अच्छा चल रहा है, रेड फूड अच्छा चल रहा है, वाइट फूड अच्छा चल रहा है, तो ये सब डालें इसके अंदर फायदा है। अच्छा और भाई दो दो पेयर ना डालें, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से उस्ताद कम से कम अगर अल्बाइनो भी बंदा लगाता है तो 10 पेयर तो डालें अपने पास, 10 तो ज़्यादा हो जाता है, कि 2 पेयर एल्बिनो के डालें, 2 दूसरे डालें, 2 दूसरे इस तरह मुख्तलिफ वैराइटियाँ डाल दें, ताकि जो उसकी ब्रीड हमारे पास आए तो मुख्तलिफ जो है रेट ऊपर आप नुकसान पे नहीं होंगे, नुकसान पे नहीं होंगे। चलें ठीक है। अच्छा उस्ताद ये बताएं यहाँ पर तेल का कुछ आइटम है, तेल के सारे आइटम हैं यहाँ। अच्छा तो चलें व्यूअर्स को दिखा दें थोड़े से सेल वगैरह के, चलें दिखाते हैं भाई आप लोगों को। तो दोस्तों इस टाइम अभी आप लोगों को सेल वाले आइटम दिखा रहे हैं कि क्या क्या है, उस्ताद यहाँ से हम स्टार्ट कर लें तो कौन कौन से हमारे पास। ये देखिए ये रेड आई के अंदर है, रोजी गोली ऑफलाइन खिलाते हैं, ठीक है, ये वाइट फेस में होते हैं। अच्छा ये वाइट फेस है जी, वाइट फेस होता है ये, ठीक है, तो ये पेयर डालें इंशाल्लाह ताला इसके अंदर आपको फायदा होगा, ये बच्चे भी निकालते हैं 6-7 बच्चे निकालते हैं। अच्छा ये पूरा पेयर है। अच्छा ये भी रेड आइस के अंदर ही होता है, रेड आइस। और साथ डिमांड क्या होगी, डिमांड भी हाथ क्या, डिमांड जो है इसकी है आपको 9,000 रुपये फाइनल, 9,000 का पेयर पड़ेगा, और खूबसूरत भी होता है। और ये देखें ये पड़े में दाने, अच्छा ये भी यहाँ पर, यहाँ पे भी पड़े में, इसके ऊपर बिजनेस करें, इसमें से वाइट दाने भी निकलते हैं एल्बिनो की तरह, और ये भी निकलते हैं, वाइट फेस होता है इनका। अच्छा ये देखें इसमें भी यहाँ पड़े में, और तकरीबन प्राइस जो है वो सिमिलर ही होता है, ये होते हैं इसमें भी, ये देखें। अच्छा ये ब्लू ब्लू पड़े में, ब्लू फेस पड़े में, और ऑफलाइन क्रीम में पड़ा हुआ, सही हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाए और आगे भी आ जाएंगे दोस्तों हम लोग, फिश फेस के अंदर है। अच्छा ये देखें यहाँ पर, ये सादे लबट नहीं, ये ऑफलाइन लबट है। अच्छा तो ये आपको भी पड़ जाएंगे 4,000 रुपये जोड़ी। अच्छा 4,000 रुपये जोड़ी दोस्तों, ये आप लोगों को पड़ जाते हैं, खोल के हम आपको चेक कराते हैं कि ऑफलाइन किस तरह से होते हैं। अच्छा दुमे कितनी खूबसूरत होती है। अच्छा दुमे खूबसूरत होती हैं दोस्तों, अभी उस्ताद आप लोगों को एक चीज़ पकड़ कर दिखाएंगे ताकि आप लोगों को जो है वो पता चले कि क्या सीन होता है दुम वगैरह का। अच्छा बहुत सारे लोगों को उस्ताद ये चीज़ें पता भी नहीं होती हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। अच्छा ये देखिए, अरे भाई ये तो रेनबो कलर में है उस्ताद, सारे ये देखें भाई खूबसूरत दुम होती है, ये इस तरह से खूबसूरत है। और भी दूसरे दाना दिखाता हूँ मैं, चलें दूसरा भी देखते हैं, एक और देख लेते हैं, इसके येलो देखते हैं, येलो में भी यही खूबसूरत, ये देखें येलो वाला देखें। अच्छा ये सबकी जो दुम है ये ऐसी रेनबो में है कलरफुल, ये देखें इसको नहीं पकड़ना, एक दुम का पकड़ो। अच्छा अच्छा ये मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से, और ये मैं यहाँ से खोलता हूँ, ये देखें भाई खूबसूरत, ये देखें मतलब मोर की तरह बिल्कुल, यार क्या बात है। और इसमें आपको और दिखा देते हैं कलर, अच्छा एक और देख लेते हैं भाई, ये देखिए खोलें, ये ऑरेंज आएगी। अच्छा ये और रेड में देखी थी आपने, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है। अच्छा ये दोमों का वो है हिसाब किताब, दोमों का ये वेराइटी डालें, ये ऑरेंज पे देखें, और कलर भी देखें ना माशाल्लाह खूबसूरत नहीं होता, ये
अब इसके अंदर पॉक्स वगैरह नहीं आती, ये दाने सही रहते हैं, इससे ब्रीडिंग भी ज्यादा आती है, इससे इसके साथ साथ बच्चे निकलते हैं। अच्छा, और उस्ताद ये कि क्या क्या प्राइस के हैं? 4000 रुपये प्राइस। 4000 रुपये, ठीक है। अच्छा ये भी देखें यहाँ पर। अच्छा ये उस्ताद आपने एक नई चीज़ बनाई है, ये क्या है? ये मोटिशन जो बनाई थी हमने। अच्छा ये तो ऑरेंज हुड है, सही है। और ऑरेंज हुड के साथ ये सिल्वर हुड कहलाते हैं, इनके अंदर ये हमने बनाई है। ये देखें इसकी दुम, देखें आप ये देखें, ओए होए ये क्या बात है। और ये सब केस, और यार इसकी खूबसूरती आप देखें बस, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और उस्ताद ये होगा कितने का दाना? ये दाना टोटल 3000 रुपये का। 3000 रुपये का यार, ये मैंने ऐसे ही दाना उस्ताद देखा है एक वीडियो के अंदर, वो तो 3 लाख रुपये बोल रहे थे। बिल्कुल वो ऐसे 3 लाख रुपये के बनाना है, सूट का खेल है। अच्छा 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 3000 में देते हैं इसकी खूबसूरती इसका। ये पूरा जोड़ा है, अगर जोड़ा लेंगे तो 6000 का देंगे। 6000 रुपये का जोड़ा। तो भाई ये लोगों से यार बेवकूफ़ ना बने, बहुत सारे लोग जो है वो मार्केट में बेवकूफ़ भी बनाते हैं, जैसा आप लोगों को पता है। अच्छा उस्ताद यहाँ पर आ जाते हैं, ये पार ब्लू स्पीड है। अच्छा ये वही वाले स्प्लिट हमारे यहाँ 3000 रुपये जोड़े। 3000 रुपये जोड़ी, क्या बात है। 3000 रुपये में से भाई 6-8000 रुपये का जोड़ा निकाले हमारा। ये रेड हुड है। अच्छा ये रेड हुड जो है वो आपको 6000 रुपये जोड़ी पड़ जाएगा, ऑरेंज हुड आपको 10000 रुपये जोड़ी पड़ जाएगा इसकी। सही हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है, जो परिंदे आप लोग मार्केट में केज के अंदर देखते हैं यहाँ पे फ्लाई होते हुए आप लोगों को दिखें। और ये तो थोड़ी क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी में चाहिए मिल जाएंगे, भरे मिल जाएंगे। सही हो गया। तो उस्ताद ये कौन सा? ये भी पार ब्लू स्पीड है, वो भी 3000 रुपये जोड़ी। अच्छा ये भी 3000 रुपये जोड़ी है, सही हो गया। आप इसके नीचे आ जाए, ये भी रेड हुड है, ये भी 6000 रुपये जोड़ी है, ठीक हो गया। ये भी वही, अब ये आ जाए, ये ब्लू ऑफलाइन है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर है ब्लू ऑफलाइन हमारे पास, ये आपको 6000 रुपये जोड़ी में मिल जाएंगे। इसकी ब्रीडिंग कराएं। अच्छा इसकी ब्रीडिंग भी दोस्तों आप लोग कराएं, ये भी अच्छे पेयर्स हैं, ठीक है। ये देखें करीब से भी जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे सैंपल के लिए रखे हैं थोड़े बहुत। अच्छा और ये पार ब्लू पड़े हुए नीचे। अच्छा नीचे पार ब्लू भी पड़े हुए हमारे पास, हाँ ठीक हो गया। ये पड़े पार ब्लू। अच्छा यहाँ ऊपर भी हमारे पास पार ब्लू है दोस्तों। और उस्ताद इनके पार ब्लू भी क्या है? पार ब्लू जो है छोटा 6000 रुपये, बड़ा 7000 रुपये जोड़ा। अच्छा 6-7000 रुपये, ठीक हो जाता है। और ये तो हमारे सदाबहार ही हैं। रेड आई जो है ये आपको पड़ जाएंगे 600 रुपये जोड़ी। सिलाई का ये भी रेड आई के स्पीड है, रेड आई निकालेंगे ये 5000 रुपये जोड़ी। जो आम रेट है बजरी का वही रेट पे दे रहे हैं। सही हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यही बजरी है, ठीक है। अच्छा उस्ताद मैंने सुना था आपके पास वो असील वसील कुछ आए हुए हैं। जी जी जावा वगैरह इस के मुर्गे बहुत हैं, हमने इस दफ़ा मुर्गों की भी ब्रीडिंग करवाई है। अच्छा इसीलिए करवाई। और जो कॉकटेल का पेयर है पूरा, अच्छा कॉकटेल यहाँ पे एक पेयर ये बचा हुआ है, किसी को चाहिए तो ले ले 5000 रुपये। अच्छा उस्ताद ये तो मैंने बहुत सारे देखे थे आपके पास। हाँ ये तो बहुत अभी रखे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए रखेंगे यहाँ पे टाइम नहीं मिला तो इसे थोड़े बहुत रखें, बाकी सारे सेल आउट होगा। सेल आउट होगा। तो उस्ताद ऐसा करते हैं वो जावा भी दिखा देते हैं, वो जो असील आए हुए हमारे पास। जी जी हम लोग ऊपर आ गए हैं उस्ताद के वही पुराने वाले सेटअप के ऊपर, सही है। तो उस्ताद ने यहाँ पर मुर्गियों का शौक वगैरह भी शुरू कर दिया है, इसके अलावा कबूतर का तो था ही शुरू का शौक। तो उस्ताद ये बताएं ज़रा पहले, ये जावा जो हमारे पास आए हुए हैं क्या है ये? ये तकरीबन 150 दाने मौजूद हैं, अगर किसी को चाहिए हो कम और मुनासिब कीमत पर आप ले लें, वरना छोटा अच्छा। चूज़ा भी आप लेंगे तो 1500 रुपये का आपको एक मिलेगा। ये आपको तकरीबन मैं आपको 2500 रुपये का एक दाना दे दूँगा, और इतना बड़ा दाना देखने आओ। अच्छा ये सिर्फ 2 महीने के हैं अभी उस्ताद? 2 महीने के हैं। तो यार ये देखें ना साइज इनका, माशाल्लाह चेक करें आप लोग, बहुत आउट क्लास साइज है। मतलब साइज तो देखने तो ऐसे देखें, ये देखें भाई जबरदस्त किस्म का साइज। ये तो जितना अभी तो आगे उधर जाएंगे तो और साइज बढ़ेगा इसका, बिल्कुल। तो भाई ये बहुत जबरदस्त साइज के आप लोगों को मिलने हैं। अच्छा उस्ताद ये बताइए, जो अभी यहाँ पर हमने मुर्गा देखा था घूमता हुआ, ये इतने ही बड़े हो जाएंगे या इससे भी बड़े होंगे? ये तो ऊंचे जाएंगे, अभी इनका तकरीबन 1.5 फीट से ज्यादा और ऊंचाई होगी, यानी तकरीबन 2.5 फीट तक ही जाएंगे ये। 2.5 फीट के तो अभी होंगे ये। अच्छा यानी और ऊपर 3 फीट तक, यानी क्या 3.75-3 फीट पे जाएंगे। अच्छा उस्ताद ये क्या प्राइस वगैरह इसका हिसाब किताब क्या है ये बताएं? ये अभी जो इस रेट पे आपको 2500 रुपये पर पीस मिल जाएगा, 2500 रुपये का एक पीस। हाँ इतनी बड़ी तादाद में, मतलब तो बच्चा आप ले रहे हैं चूचू करता हुआ, हाँ। मिल रहा है 1500 रुपये। 1500 रुपये का असील का, इसका नहीं। अच्छा ये तो संभले हुए बच्चे हैं, वो बिना संभले हुए होते हैं वो तो उस्ताद मतलब मर भी जाते हैं, उसमें पता भी नहीं चलता। और अभी ये कबूतर है बेहतरीन, अगर किसी को सेटअप कबूतरों का लगाना हो तो लगा लें। अच्छा बेहतरीन, इसमें आपके फिरोजपुरी हैं और क्या कहते हैं वो हैं टेडी कबूतर। अच्छा माशाल्लाह सारे ये आप बाजियां इनकी भावलपुर में भी उड़ रही हैं, बाजियां इनकी सियालकोट में भी उड़ रही हैं। तो उस्ताद ये कौन से वाले मतलब ये हाई फ्लाई हैं? जी हाई फ्लाई, ये अपनी छत के ऊपर आसमान पर रहते हैं, छोटी सितारा बनते हैं, यानी सुबह छोड़ दें और शाम में आ जाएंगे खुद वापस आ जाएंगे। अच्छा ये वाले, ये देखें भाई यहाँ पे ब्रीड वगैरह भी करी है इन्होंने, बच्चे भी आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, चूजे के बच्चे भी नजर आ रहे हैं। ये चूजे कहाँ से आ गए उस्ताद? तो भाई चूजे वगैरह भी ऐसी बच्चे वगैरह लेकर आ जाते हैं, आप लोगों को पता ही है।
तो ये बाजी की कॉलोनी आ गए। ये तो कॉलोनी हम पहले भी दिखा चुके हैं उस्ताद की, माशाल्लाह से ये पहली शुरू की कॉलोनीज हैं ये बिल्कुल भाई दोस्तों, और वैसी की वैसी हालत के अंदर हैं अभी। तो ब्रीड आती रहती है और जाती रहती है। तो उस्ताद ये हो गए हमारे सारे मामला, और ये है मिस्री मुर्गियाँ अंडे के लिए। अच्छा ये यहाँ पर मिस्री मुर्गियाँ भाई उस्ताद ने डाली हैं, ये देखें इसके अंडे रोजाना 7-8 अंडे रोजाना मिल जाते हैं। अच्छा एक इसमें असील मुर्गी है और बाकी 7 मिस्री मुर्गियाँ। अच्छा मुर्गा एक ही है इनका? मुर्गा एक। अच्छा तो भाई ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ भी रखी हैं उस्ताद ने। तो उस्ताद यहाँ पर हम अपने मामला करते हैं वाइंड अप, सही है। एंड में ऐसा करें अपना नंबर वगैरह भी शेयर करें व्यूवर्स के साथ, ताकि व्यूवर्स आपसे रब्ता करना चाहें तो। बिल्कुल मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0302-247-6070 पर रब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी इन लोगों को लाइक करना ना भूलें, इन्हीं लोगों की वजह से आपके पास बीमारी का इलाज भी हो रहा है और हर तरह के परिंदों के पेयरिंग भी हो रही है, और फिर सबिल्ला कोई चार्जेस नहीं हो रहे। बिल्कुल तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर इनके चैनल को करते रहें। बस उस्ताद ये आप लोगों की मोहब्बत है जो हम लोगों को खींच लाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद, आपने इतना कीमती टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, जज़ाक अल्लाह। बिल्कुल आज सुबह भी मैं विजिट पर ही था पॉक्स के हवाले से और पेयरिंग के हवाले से, पहले हैदरी पे था, फिर मैं नूरजहां थाने के पीछे गया था, जी 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 शिप ऑनर के पीछे गया था, वहाँ पर था, तो वहाँ से फोन आपकी कॉल आई थी, तो मैंने बोला अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो पहुँचता हूँ, तो अभी भी मैं तिनट्टी पे था तो तिनट्टी से फौरन जल्दी से पहुँचाऊंगा। अच्छा अच्छा तो बड़ी मेहरबानी उस्ताद आपकी, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। तो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों आज लेकर आया था मैं, और उस्ताद ने हमारे मशवरे दिए आप लोगों को। इसके अलावा पॉक्स का जो मामला चल रहा है, पॉक्स के मामले के हवाले में बताया क्या कितने की दवाई क्या यूज़ करनी है आप लोगों को, तो उस्ताद से आप रब्ता कर लीजिएगा, उस्ताद आपको दवाई के बारे में बता देंगे कहाँ से मिलेगी क्या, या उस्ताद ही आपको दे देंगे यार, बस एक कॉल कर लिएगा। इसके अलावा फ्री विजिट दोस्तों आप लोगों के लिए करते हैं, आज भी दो विजिट कर आए, फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर रहे हैं, अपना पेट्रोल लगाते हैं, फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सपोर्ट आप लोगों को करना है उस्ताद को, ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू आप लोग कॉल कर सकते हैं उस्ताद को। तो यहाँ तक दोस्तों वीडियो देख लियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को जरूर मिलूंगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।